ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। दुमका में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने न्यूज 11 के साथ खास बातचीत में राज्य सरकार को जन विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा, साथ ही जेएमएम को झारखंडियों की पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम की सरकार बनने पर वे समाज के हर तबके का विकास करेंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी अविनाश ने। झारखंड में 3 चरण का मतदान हो चुका है और इस 3 चरण के बाद अब दावों का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ हेमंत जी हैं। हेमंत जी, अब कहा जा रहा है कि हमारी सरकार किसकी सरकार है? झारखंडियों की सरकार। झारखंडियों में हेमंत जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार? झारखंडियों की सरकार, महागठबंधन की सरकार। हेमंत जी, बहुत जो मुद्दे आ रहे हैं और अगर हम पीएम के दौरा की बात करें, आप दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, दुमका बरहेट, दोनों ही जगह पीएम आ रहे हैं। आने दीजिए, स्वागत है उनका भी। इसमें हम क्या कह सकते हैं, वो राजनीतिक दल होने के नाते आ रहे हैं, पीएम होने के नाते नहीं। हम भी उनको राजनीतिक दल के रूप में देखेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखेंगे। झारखंड में वही मुद्दे हैं जो आपने उठाए थे, तमाम मुद्दे आपके बैनर पोस्टर पर दिख रहे हैं, सरकार बदलो, पाओ अधिकार। तो लोग किस लिए चुनाव करते हैं? लोग लोकतंत्र में किस लिए हिस्सा लेते हैं? अपने अधिकारों के लिए। तो आज निश्चित रूप से लोगों को अपना अधिकार चाहिए, तो अपने लोकतंत्र के इस पर्व में लोग शामिल हैं। देखिए, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी कह रही है कि हमको विकास पर मिलेगा, हमको चूल्हा पर मिलेगा, हमको घर पर मिलेगा, हमको शौचालय पर मिलेगा, लोग हमारे साथ हैं। उनकी सरकारी संस्था ही से पूछ लीजिएगा कि चूल्हा शौचालय पर क्या स्थिति हुआ है। शौचालय तो मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और चूल्हा की बात है, ये तो महिलाओं को चूल्हा से बाहर निकलने नहीं देना चाहते। ये तो चाहते हैं कि महिलाएं अनवरत चूल्हों में ही अपना जीवन काट दे, लेकिन हमारा लक्ष्य उनसे कहीं आगे है। हम महिलाओं को पुरुष के बराबर कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ने का हमारा संकल्प है, और इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हमने हर प्रयास पिछले सरकार में भी हमने किया है और आगे भी करेंगे। और हमने निर्णय लिया है कि इस राज्य की किसी भी धर्म जाति की बच्चियां होंगी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, सभी बच्चियों का जो पढ़ाई की पूरी खर्चा, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग हो, नर्स हो, शिक्षक बनना चाहती हो, सबका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। दुमका में चुनौती है कि नहीं? कहते हैं लोग कि जमशेदपुर पूर्वी के बाद सबसे दिलचस्प लड़ाई यही है। दुमका अपने आप में एक अलग जगह रखता है, हर मायने में, अलग राज्य से लेकर के राजनीतिक चुनाव से लेकर के हर मायने में। ये थे हमें हेमंत सोरेन। इन्होंने कहा कि हर मायने में दुमका अलग पहचान रखती है, और शायद इसीलिए दुमका का चुनाव भी थोड़ा अलग है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 11 दुमका। एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटेंगे फौरन।